तो दोस्तों, इस समय हम हायाघाट के स्टेशन के ठीक बराबर वाले ब्रिज पर हैं और ब्रिज के सामने ये देखिए, यही वो नदी है। ये नदी जो बाढ़ के दिनों में बारिश के मौसम में ये विकराल रूप धारण कर लेती है और ये सिर्फ ये पूरे इस रेल यात्रा को बाधित कर देती है। और यही वो नदी है जो घूम करके उस तरफ से आगे गई हुई है। ये कौन सी नदी है भैया? ये बागमती नदी है भैया। ये तो ये उधर चली जाती है, बागमती ऐसे घूर के ऐसे इधर इधर भी आ सकती है। इधर भी जब पानी ज्यादा बढ़ती है तो ये सामने ये नदी क्रॉस करती है। जब पानी इसमें ज्यादा होता है तब ये इस नदी तब ये इस पुल की तरफ आती है और तब ये पुल जो है वो लबालब भर जाता है। और अभी कम है इसलिए इसने धार अपना बदल लिया है। नहीं, धारा भी बदला, कम पर धार बदल लेती है और जास्ती होने पर ये धार सीधा पुल का आ जाता है। तो ये वो ये घूम करके जो जा रही है तो वो अगला ब्रिज पर जा रही है। अगला जो है वहाँ वाटर वाहन से नजदीक सर, वहीं पे वो नदी का क्रॉस है। मेन नदी वही हुई, मेन वही है, मेन नदी तो वो भी बागमती है। ये भी बागमती, यही नाच के जाती है इसी करके बागमती। तो बागमती जो है बिल्कुल सांप की तरह घूम जाती है। अभी ये कम है पानी इसलिए सांप की तरह जो इसका ओरिजिनल रूट है वो आगे जो हमने ब्रिज दिखाया वो ब्रिज की तरफ जा रही है और जब पानी बढ़ जाता है तब ये इस तरफ चली आती है और यही आकर के जो है इस ब्रिज को जो है रोक देती है। और इसी देखिए, ये जो नीचे ब्रिज है जब ये पानी इसमें टच करने लगता है और जब इस पुल पर खतरा मंडराने लगता है तब इस पर यातायात रोक दिया जाता है। और ये नया ब्रिज जो बनाया गया इसी के लिहाज से ऊंचा बनाया गया है क्या? यस सर, यस ऊंचा बनाया गया, ऊंचा बनाया गया उस ब्रिज को देखते हुए, उस ब्रिज को देखते हुए ये ऊंचा बनाया गया है। तो भविष्य में वो भी चलता रहेगा और ये भी चलेगा? यस सर। लेकिन वो तो उसमें जब पानी टच कर जाएगा तो उसको तो उठाना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा। यस सर, ऊंचा नहीं करिएगा तो फिर तो यात्री अपना आपको बंद रहेगा, बंद रहेगा तो यातायात बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऊंचा करना जरूरी है। तो अब देखना होगा कि रेलवे इसको कैसे ऊंचा करता है, या तो यही स्थिति रखेगा या ऊंचा करेगा। और ऊंचा करने के लिए या तो इसी को पिलर को आप ऊंचा करके कर सकते हैं या नहीं तो भविष्य में नया फिर नया ब्रिज बना सकते हैं। तो नया ब्रिज बना सकते हैं। तो यह स्थिति है फिलहाल यहाँ पर हायाघाट की। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बागमती नदी यहाँ पर रौद्र रूप अभी अपनाती है। हालांकि अभी ये शांत है पानी से सर, लेकिन पानी बढ़ जाती है तो यहाँ जास्ती रेत चलती है, जास्ती रेत चलती है। जब यहाँ पर पानी बढ़ जाता है तो इसकी धारा तेज हो जाती है और तब धारा थोड़ा कम हो जाती है, उधर की धारा कम हो जाती है। तो यानी इस वजह से ये इलाका जो है वो रेलवे के लिए बहुत ही चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर के ही यहाँ पर इस तरह का ब्रिज निर्माण किया गया है। लेकिन भविष्य को लेकर के उस ब्रिज का क्या होगा उसको लेकर के अभी भी चिंता है, क्योंकि अभी तो सूखा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन जब ये पानी बढ़ेगा तब ये पानी इधर आएगा और उसके बाद फिर क्या होगा ये किसी को पता नहीं। हालांकि अभी फिलहाल तो इस ब्रिज से कुछ फायदा होगा रेलवे को कि यातायात रुकेगा नहीं, लेकिन उस ब्रिज का भी सोचना पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि डबल लाइन जब बनेगी तो उसको भी उठाना पड़ेगा या उसके लिए नया पुल बनाना पड़ेगा। क्या भैया, क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, सही है सर। तो ये स्थिति है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर। कुछ और तस्वीर, कुछ और आपको ये भी बता दें कि ये इस तरफ जो है बांध है और इस बांध को जो बनाया गया है वो जमीन की सतह, ये इस बांध को बनाया गया है उस शहर को हायाघाट को बचाने के लिए। यस सर, क्योंकि हायाघाट का जो आबादी रिहायशी इलाका है वो इस बांध के उस तरफ है। यस क्या? यस सर, इसलिए यह बांध बनाया गया और यह बांध भी इसी नदी की वजह से बनाया गया। यस सर, इसी नदी का इस बार भी वाटर बनाया गया, उस बार उस पर तरफ भी बनाया गया। तो यहाँ पर यह नदी बहुत ही अप्रत्याशित रहती है, जिला के बचाने के लिए, इधर समस्तीपुर जिला बचाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है शहर को भी बचाने के लिए वहाँ पर बांध बनाया गया है, यानी कि हायाघाट कस्बे को, प्रखंड को बचाने के, रिहायशी इलाके को, और इस पुल को भी अब जो है बचाने के लिए अब एक नया ब्रिज बन गया है। अब देखना होगा कि भविष्य में इसका नया पुल बराबर में डबल लाइन के लिए बनता है या इसी ब्रिज का जो है रिनोवेशन करके इसको ऊंचा किया जाएगा, यह अभी भविष्य के गर्त में है। तो दोस्तों, इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए बिहार ऑन स्पॉट और दरभंगा रॉक्स भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।